एवरीवन, आज मैंने सोचा कि एक टाइम मैनेजमेंट पे क्विक ब्लॉग बनाया जाए. सो मेरा सेकेंड आर्किटेक्चरल एकेडमिक ईयर 20th अगस्त को शुरू होने वाला है और आज है 18th अगस्त और मैंने मेरी तैयारी शुरू कर दी है. ये मैंने किया क्या है, कलरफुल बॉक्सेस. वेल, सबसे पहले तो मैंने A2 शीट ली और उसे ड्राफ्ट किया मेरे मेजरमेंट्स के हिसाब से. एंड दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक. तो ये है क्या, अगर मुझे शॉर्ट में बोलना हो तो, मैंने पूरे महीने के बॉक्सेस किए हैं वेर इन आई विल बी कम्प्लीटिंग पूरे बॉक्सेस एज पर दिस नॉमिनक्लेचर 20th अगस्त फ्राइडे ब्ला 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 पूरा कम्प्लीट करते हुए. इसका फायदा क्या, इसका फायदा ये है कि जब एकेडमिक ईयर शुरू होगा तो पूरे महीने में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, जो भी असाइनमेंट्स होने वाले हैं और वॉट एवर वो ऑलरेडी शेड्यूल में पहले कहीं ना कहीं लिखे हैं. तो प्लानिंग करते समय एक जूम्ड आउट व्यू आता है कि अगले दिन ये करना है, वो करना है और लेट्स से एक हफ्ते बाद ये है. देन उसके हिसाब से एक रात पहले या सुबह मॉर्निंग में जब हम अपने दिन का प्लानिंग करते हैं तो मजा आता है क्योंकि एक क्लैरिटी रहती है. वी आर नॉट कंफ्यूज कि ये अगले परसों का काम आज करे या डे आफ्टर टुमारो एंड ऑल दिस क्लटर डज नॉट एग्जिस्ट. दिस इज एन इफेक्टिव मेथड. आई हाईली रिकमेंड यू टू यूज दिस मेथड. दैट इज बेसिकली क्रिएट अ जूम्ड आउट पर्सपेक्टिव फॉर योरसेल्फ, पूरे महीने में कैसी चीजें करनी है एंड देन प्लान अकॉर्डिंगली. अगेन, प्लान सिस्टम्स, डू नॉट प्लान गोल्स, क्योंकि गोल is basically outcome. Systems refer to the processes that will lead to the goal. Use these small hacks. Zindagi simplify karti hai. So let's complete the nomenclature. Join me. You know what? Thoda sa jaise फर्स्ट ईयर वाले जब हम ड्राफ्ट करते हैं तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वी बेंड एंड ड्राफ्ट, तो इससे ना बैक पेन बहुत होता है. सो ट्राई एंड मूव योरसेल्फ व्हेन एवर एंड वेयर एवर पॉसिबल, ताकि ना रात को सोते समय यू आर हैविंग मिनिमम पेन्स. नाउ लुक, मैंने क्या जुगाड़ किया है. मांडी पे लिया है मेरा ड्राफ्टिंग बोर्ड. I mean, I've taken it in my lap. I'm mixing languages. 31st August hota hai. Now the month is ending, so I'm changing my alcohol marker. They are interesting na, alcohol markers. Mast lagna hai na, itne sare colors ko dekh ke. Mera mood cut gaya hai. Okay, ye dekho mera mood. वाह, अरे वाह, मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बॉक्सेस जो है उसको एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन मिला, जिसके कारण मुझे ऐसा एडवांटेज मिलता है कि सारे फ्राइडेज एक कॉलम में आते हैं, सारे सैटरडेज एक कॉलम में आते हैं, सारे संडेज एक कॉलम में आते हैं. वाओ, ग्रेट. अरे तो ऐसा ही कुछ कर लो, अपने A2 शीट पे ना 7 बॉक्सेस कर लो इक्वल डायमेंशन के. ग्रेट, ये मेरी एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगी. September turns to be the last day of my time management chart. Okay, let's go fast forward. So I'm done with plotting the nomenclature mere chart pe and I would like to give you people a glance of it. So here we go. So,
मैंने जैसे बोला था सारे संडे सारे फ्राइडेज एक लाइन में आ रहे, दैट्स बिकॉज सेवन डेज एक रो में बैठ गए हैं, कितना क्लीन हुआ है। तो इसमें हमने करना क्या है, जो भी हमारे असाइनमेंट्स रहेंगे ठीक है, उन्हें डेडलाइन के हिसाब से उनका एग्जीक्यूशन हमें प्लॉट करना है, स्पेसिफिक दिन में उनके डेडलाइन के हिसाब से हमारे एफर्ट्स हमें इस चार्ट पे प्लॉट करना है और देखते रहना है ठीक है, जो भी हमने प्लान किया है स्टे इन टच विद इट। ऐसे भी नहीं कि बस प्लानिंग करती और ये अभी रत्ती में चला गया या यू नो बस एक वॉल पे चिपका पड़ा है, देखते रहना है, स्टे इन टच विद इट। ये कभी ना कभी भरेगा एंड ये शीट भी ख़त्म होगी, 18 सितंबर से नई शीट शुरू करनी पड़ेगी, बट यस टेंटेटिव बेसिस पे दिस इज अ गुड टू गो ऑप्शन फॉर माय फ्रेश सेकंड एकेडमिक ईयर। I tried to make something different this video. I thought why not start vlogging. Ray is 18 और परसों से कॉलेज शुरू होने वाला है, तो I thought why not share how to manage time effectively. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई then smash that like icon, also subscribe button को दबाना, that helps me keep going. If you are an architectural student and you wish to increase your productivity, you have landed on the right place. Join my team and let's grow together. Bye bye. Designers, do your best.